दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल सब दोस्त? ठीक ठाक है दोस्तों। मैं अभी ऊपर आया था तो रात को इनका दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर वालों को बोल दिया था कि इसका दरवाज़ा बंद कर देना। तो सुबह आया, मुर्गियाँ वैसे पूरी हैं, खुली हुई थी। ये देखो मैंने ना गड़बड़ा कर करके, और रात बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। और गौर कालों को खोल लेते हैं दोस्तों, ये रात के बंद ही हैं, इनको खोल देते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ। बग्गू कालू को खोल दिया। ये बच्चे देखो माशाल्लाह लक्की के काफ़ी बड़े हो गए। इनको अब दाना पानी करते हैं, ये भूखे हैं बेचारे, देखते हैं इनको दाना वगैरह डालते हैं। ओ माशाल्लाह दोस्तों, इधर भी बच्चा एक निकल आया है। ये देखें दो बच्चे नजर नहीं आ रहे, ये देखें दो बच्चे इधर भी निकल आए। ये बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह, प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। इधर वो भी अच्छे काफ़ी बड़े हो गए। कबूतरों की तो अच्छी प्रोग्रेस जा रही है दोस्तों, बच्चे बुच्चे तो काफ़ी दे रहे हैं और बड़े भी काफ़ी जल्दी हो रहे हैं सारे। मुर्गों का था मसला, इनको सर्दी लग गई थी, पता नहीं क्या मसला बना है इनको। तो मुर्गी मेरी चले गई है, अब उसके अंडे हैं तो किसी से दोस्त से बात की है, वो उसके पास रखेगा या वो मुझे मुर्गी देगा, उसके पास अंडे निकालेंगे इंशाल्लाह, बच्चे निकलेंगे। अब इनको दाना वगैरह डालते हैं, इनको दाना वगैरह डालते हैं। ये रोटियां लेके आया था, ये बोर के डालता हूँ इनको पहले मैं। दोस्तों इनको रोटियां डाल दी हैं मैंने, बोर दी थी छोटी छोटी करके, और कबूतरों को भी डाल दी बोर के। अब अंदर जाकर बच्चे देखते हैं किसने निकाले हैं। ये देखें बब्बू और कालू को भी डाल दिए, और शेरू को भी डाल दिए मैंने। इन्होंने अंडे पता नहीं किधर दिए हुए हैं, देसी के अंडे दे रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने अंडे किधर दिए हुए हैं। तोता को भी डाल दिए, क्योंकि इधर बैठी होती है दोस्तों, और इधर भी एक बैठी होती है। नज़र तो नहीं आ रहे कोई भी अंडे वगैरह इनके, मेरे ख्याल में ये अंडे पी लेती हैं। अब जो अंडे ना नज़र नहीं आ रहे वो पी लेती हैं। ये देखे मेरे लक्कों के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये बच्चे देखे भूखे बैठे हुए हैं। इनको भी अभी दाना पानी किए, वो दोपहर खा रहे हैं सारे मेरे पिजन वगैरह, तो इनको भी अब देते हैं। इनको भी ना ये बब्बू को अंदर आ गया, ये देखे ये बैठ गए। शेर जो ये देखें कालू थोड़ा सा ढीला है, पता नहीं इसको क्या मसला अब हो गया। थोड़े दिन पहले इसको मेडिसिन से दी है पर फिर भी ढीला है। और ये देखें ये बाजरा इनके लिए दोस्तों रख दिया है, और इधर से थोड़ा सा लेके ना ये रोटियां ये तोतों को डाल देते हैं। जो तोते हैं वो खाते रहे, वो भी बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों। ये देखते हैं कल भी मैंने डाली थी, वो भी खत्म की। देखिए दोस्तों ये भी बहुत शौक से खाते हैं, रोटियां वगैरह डाले ना इनको, बहुत शौक से खाते हैं। ये सारी नीचे गिरा रहे हैं, और इनके लिए मैंने ये भगोई भी हुई हैं रोटियां, कुछ ना भगो के रखी हुई हैं। ये भी हो गई है मेरे ख्याल में, ताज़ा रोटी थी हो गई है। अब इसका पानी निकाल देते हैं, ताकि ये कुछ ना वो बोरी हुई नहीं खाते तो ये खाते हैं। इनका पानी वगैरह निकाल देते हैं कुछ। से मसल दिया इनको, ये भी खा लेंगे अब अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छे से खा सके। चलो इस जगह शेर थोड़ा साइड में आवाज़ देने दो।
ये खा ले गए थे वो बगू को लेके आते। इसको भी सर्दी लग रही है ना, ये देखो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया मेरा बग्गू। चलो खा लो, वो तो अंदर ही चला गया। ये ऐसे खाता है, जिधर भी छोड़ो एक दफ़ा इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और इनको इधर डाली हुई थी, ये इधर खा रहे हैं, इधर से उठा के उधर ही डाल देते हैं, नीचे बहुत खराब है। तो जिसमें खानी है उधर खा लेगा। बाजरा खा रहा है, कोई रोटियां खा रहा है, वो देखो अब झगड़ा करने के लिए चले गए हैं दोस्तों। पता नहीं क्यों झगड़ा करते हैं ये, वो अब बग्गू को मारेंगे। देखिए रोटियां हर परिंदा बहुत शौक से खाता है, अब ये बाजरा खा रहा है मेरा। लालू नाम रखते हैं इसका, लालू। उन्होंने माशाल्लाह रोटियां ख़त्म कर दी हैं, अब इनको पानी वगैरह ना डाल देते हैं। उन्होंने भी शुरू हो गए हैं अब, अंडे मेरे पड़े हुए हैं दोस्तों, अंडे मेरे सील के उधर ही पड़े हुए हैं, उसका कोई करते हैं हल जल्दी इंशाल्लाह। चलो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें, और लोहरी मिनी जू 96 को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।